दोस्तों अपने घर और अपने ऑफिस की सेफ्टी हर लोग करना चाहते हैं, तो ऐसे में दिक्कत तब आती है जब हम फिजिकली वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, और तब हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसा सिक्योरिटी कैमरा होता जो हमारे घर की देखरेख कर सकता था, जिसको हम मोबाइल से ऑपरेट कर सकते थे, या अगर हम घर पर नहीं हैं तो हम उस कैमरा के थ्रू अगर कोई सामने हमारे ऑफिस में या घर पर आया है उससे हम बात भी कर सकें कि भाई किस काम के लिए आए हो, क्यों आए हो, तो उसमें माइक की फैसिलिटी भी हो, स्पीकर की फैसिलिटी भी हो, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। तो ऐसे में मार्केट में सिक्योरिटी कैमराज तो बहुत सारे होते हैं, सीसीटीवी कैमराज बहुत सारे होते हैं, बट वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो ऐसे में हम ढूंढते हैं एक चीप ऑप्शन जो कम पैसे में हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों ऐसी एक चीज़, ऐसी सिक्योरिटी कैमरा मैं आज की वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ, ये है फिलिप्स की तरफ से आने वाला HSP 1000। दोस्तों ये काफ़ी कम प्राइस में आने वाला लो बजट कैमरा है, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, इसका एक आप मैं रिव्यू शेयर करूंगा, और उससे पहले इसके अनबॉक्सिंग देखेंगे कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो पे आप बने रहिए ताकि आपको इस सिक्योरिटी कैमरा के बारे में सारी चीज क्लियर हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए फिनिश करते हैं। दोस्तों चलिए इसको अनबॉक्स करने से पहले एक बार इसके बॉक्स पर देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप के कैमरे की शेप देखने को मिलती है, 2 साल की वर्ल्ड वाइड वारंटी है, फिलिप्स होम सेफ्टी 1000 सीरीज यहाँ पर इंडोर कैमरा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैन करके आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल से हो यानी आईफोन से हो या आप एंड्रॉइड से कर सकते हैं, तो आपको एप्लीकेशन में काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। कुछ हाईलाइट्स यहाँ पर बॉक्स की दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी ये सीरीज है और एक यूनिट देखने को मिलते हैं। प्राइस यहाँ पर इतना लिखा गया बट इतना नहीं है, उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, और कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, मेड इन चाइना दोस्तों फिलिप्स की कंपनी है, और इसके अलावा कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो अनबॉक्स करने पर आपको अंदर कुछ इस टाइप से दो बॉक्स देखने को मिलते हैं, एक में शायद कैमरा है और बाकी में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो एक मैनुअल बुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसको पढ़ के आप जो है जान सकते हैं क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर भाई आपको एक 5 वोल्ट का जो है अडेप्टर दिया गया है, साथ में आपको एक चार्जिंग केबल भी है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक बार कि भाई USB टाइप से टाइप ए केबल है, टाइप सी नहीं है, तो टाइप सी होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट फिर भी चलो मैनेज कर लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं। इसमें है हमारा दोस्तों मेन कैमरा, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको प्लास्टिक से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कैसा है देखने में। तो भाई साहब कुछ इस टाइप की लुक है, और फर्स्ट लुक में तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, और शेप ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर स्पीकर आपको दिखाई दे जाएगा, ये स्टैंड है, आप इस तरह से रख सकते हैं, तो ऊपर फिलिप्स की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर प्लास्टिक लगी हुई है कैमरे को बचाने के लिए। तो ये कुछ कंटेंट है जो दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, काफ़ी प्यारा सा हमारा जो ये कैमरा है, तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, मुझे तो काफ़ी क्यूट लग रहा है भाई, और आराम से इसको रख सकते हैं कहीं पर भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं साथ में देखने को मिलती हैं इसके, तो इसको मैं अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं इसके रिव्यू की कि आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसकी प्राइसिंग कितनी है। दोस्तों मैंने इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लिया है, तो अब बात करते हैं कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या क्या फीचर दोस्तों इसके अंदर दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको बस जो आपकी ऐप आप डाउनलोड करेंगे उसमें जो स्कैन कोड आएगा, आपको इसको पहले कनेक्ट करना है केबल के साथ, उसके बाद आपको स्कैन कोड दिखाना है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और इसके जो स्पीकर वगैरह है वो यहाँ पर काम करते हैं, आप इसमें जो कुछ भी बोलेंगे, अगर आपने एक रूम में रखा हुआ है कोई उसके सामने आता है तो आप मोबाइल से जो कमांड देंगे, कोई अगर पिज़्ज़ा लेने आता है, कोई डिलीवरी वाला आता है, कोई आपका कोई सामान लेने आता है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई क्या लेके आए हो, तो ये आपके स्पीकर से आवाज़ जाएगी और यहाँ से इसके माइक से आपके पास भी आवाज़ आएगी, तो आप इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। ये काफ़ी अच्छा दोस्तों फीचर लगा है, या आपको घर से भी किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, घर में कोई अवेलेबल बंदा है तो उसको कुछ बोलना है, तो आप डायरेक्टली इससे यहाँ से सकते हैं। इसके अलावा 110 डिग्री का व्यू आपको दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाता है, फुल HD में दोस्तों ये रिकॉर्ड करता है, आपको 2 मेगापिक्सल का यहां पर जो है कैमरा देखने को मिल जाता है, ये 2 मेगापिक्सल है दोस्तों कैमरा यहां पर दिया गया है। आप बोलेंगे 2 मेगापिक्सल तो काफी कम होता है, भाई कम होता है मोबाइल के लिए, बट इनके लिए काफी ज्यादा होता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो काफी क्लैरिटी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको नाइट विजन भी दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाता है, तो फीचर काफी कुछ यहां पर इसके अंदर दिए गए हैं। आप इसको आराम से किसी टेबल पर इस तरह से जो है आप जो प्लेस कर सकते हैं, या आप किसी कबर्ड में लगा सकते हैं, या आपकी आपने कोई बुक शेल्फ लगाई हुई है वहां पर लगा सकते हैं, तो इसको रखने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर मेमोरी कार्ड की बात करूं, 128 GB तक का मेमोरी कार्ड आप यहां पर लगा सकते हैं, इसमें पीछे यहां पर स्लॉट दिया गया है मेमोरी कार्ड लगाने का, यहां पर आप मेमोरी कार्ड लगाएंगे और ये उसको स्टोर करता रहेगा। इसके अलावा यहां पर प्लास्टिक बॉडी मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है, जो बिल्कुल भी आपको चीप फील नहीं होगा, वैसे ही फिलिप्स कंपनी ब्रांडेड कंपनी है तो काफी अच्छे से देख के इसको बनाती है, तो काफी क्यूट शेप में बनाया गया है, और इतने कम प्राइस में भाई
एक अच्छा सीसीटीवी कैमरा, एक सिक्योरिटी कैमरा मिलना इम्पॉसिबल है। अब मैं बात करूँ अगर प्राइस की, तो फ्लिपकार्ट पर अभी इसका प्राइस जो चल रहा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है 1500 से 2000 के बीच में। एक दो दिन पहले इसका प्राइस 1599 था, बट अभी फिर से इसका प्राइस जो है 1999 हो गया है। जब लॉन्च हुआ था लगभग 2500 के आसपास हुआ था। तो आप जो ऑफर देखते रहना, सेल को देखते रहना, तो आपको 1500-1600 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और 1500-1600 के हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छा कैमरा है, डेफिनेटली आप इसको अपने रूम में लगा सकते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा 110 डिग्री का व्यू देखने को मिलेगा और आप काफ़ी क्लैरिटी के साथ अपनी चीज़ों को जो है देख सकते हैं। आपके रूम में, आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, पीछे से कोई जो चोरी तो नहीं कर रहा है, या आप देख रेख कर सकते हैं घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सेंसर्स भी लगे हुए हैं, ये साउंड को या किसी पर्सन को डिटेक्ट कर लेता है। अगर कोई उसके सामने जैसे ही आता है ना, वैसे दोस्तों डिटेक्ट कर लेता है और आपके मोबाइल पर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो काफ़ी कुछ इसके अंदर सिक्योरिटी से लैस इसको किया गया है। तो डेफिनेटली बोलूँगा आप इसको बाय कर सकते हैं, आपको इसको एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए अगर आप किसी एक कम दाम में सिक्योरिटी कैमरा ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसको चला के दिखा नहीं पाया हूँ बिकॉज मेरे पास दूसरा मोबाइल या कैमरा अवेलेबल नहीं है, एक ही मोबाइल है, तो इसलिए मैं इसकी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। बट हाँ, मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये सिक्योरिटी कैमरा वर्थ है, आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और अगर आपको इसका एक जो है वीडियो के साथ, इसको यूजबिलिटी के साथ आपको एक इसका रिव्यू चाहिए, तो मुझे आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं इसका एक अच्छे से और रिव्यू बना दूंगा, ताकि आपको मैं चला के भी दिखाऊँ और इसके सारे फीचर्स भी आपको दिखाऊँ क्या क्या इसके अंदर दिए गए हैं। तो है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसी वीडियो आपके फ्यूचर में मिलते रहे। सो इस इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।